I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है वंशकार के एक नए वीडियो में। फाइनली सिट्रोन C3 एयरक्रॉस यहाँ पे लॉन्च हो चुकी है और हम देख रहे हैं यहाँ पे इसका टॉप एंड इन वेरिएंट में आते हैं यू प्लस और मैक्स। ये है मैक्स का 5 सीटर वर्जन और जो कि 5+2 सीटर का रिव्यू आप चैनल पे देख सकते हैं, आई बटन में आपको मिल जाएगा। ये वाली गाड़ी है और ये है 5 सीटर में, तो इसका हम रिव्यू करने वाले हैं। एक्सटीरियर इंटीरियर में क्या क्या चीजें मिल जाती हैं और साथ में प्राइस की भी बात करेंगे। जो कि इसका अगर राइवल की बात करते हैं, ये कहीं ना कहीं क्रेटा और सेल्टा जो नई वाली है उसके भाई साइज देखने से वैसी ही लगती है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, प्रॉपर काफ़ी अच्छी इसकी लेंथ है जो कि क्रेटा से भी कुछ एमएम ज़्यादा ही है। तो कम प्राइस में गाड़ी देखने में एक मिड साइज प्रॉपर एसयूवी लगती है और इस जो है सेगमेंट की ये कहीं ना कहीं कई मायनों में फर्स्ट इन सेगमेंट भी होने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं इसके फ्रंट प्रोफाइल से, क्या क्या चीज़ें हमको मिल जाती है। तो ये है इसका फ्रंट से, आप देख सकते हो ऐसे कुछ लुक्स आ जाते हैं भाई साहब, काफ़ी सही लगती है फ्रंट से देखने में। जो इसका रोड प्रेजेंस है वो काफ़ी अच्छा होने वाला है। आप साइड से देख सकते हो ऐसे कुछ दिख जाती है, मिड साइड SUV है तो प्रॉपर इसका जो लेंथ है वो भी काफ़ी सही लग जाता है। सीट जो है, जो इसका टायर साइज वगैरह आप देख सकते हो। फ्रंट से देखते हैं तो ऐसा कुछ इसका ग्रिल जो कनेक्टिंग मिल जाता है, ये सिट्रोन का आप लोगों वगैरह देख सकते हो। ये वाला जो पार्ट है ना ग्लॉसी ब्लैक में पूरा मिल जाता है। और इसके आप ग्रिल को देखते हैं तो ओवरऑल काफ़ी अच्छी ग्रिल यहाँ पे मिल जाती है ऐसा कुछ देखने में। नीचे आपको इसकी प्लेट मिल जाता है ग्रे में, वाइट कलर इंसर्ट भी यहाँ पे यूज़ किया गया है। यहाँ पे आपको ना फोग लैम्प हेलोजन में मिलते हैं। और उसके हेडलैम्प की बात करते हैं भाई, DRL यहाँ पे मिल जाते हैं ऐसा दो जो है पार्ट में। ये वाला जो है हेलोजन में ही टच इंडिकेटर मिलते हैं, इवन टॉप एंड वेरिएंट देख रहे हैं तो यहाँ पे हेलोजन मिल जाते हैं। सामने से ऐसा कुछ पार्किंग जो है सेंसर वगैरह नहीं मिलते हैं, लेकिन हाँ जो इसका अप्रोच एंगल है डिपार्चर एंगल वो काफ़ी सही मिल जाता है, जो कि इस सेगमेंट में अच्छी बात है। यहाँ पे व्हील आइए चलते हैं इसके साइड प्रोफाइल की तरफ। और यहाँ पे ना भाई सर 2671 mm की आपको व्हील बेस मिल जाती है, जिसकी वजह से अंदर का जो स्पेस है काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो फिलहाल टायर सेक्शन की बात करते हैं, यहाँ पे CX का टायर दिया है, यहाँ पे आप इसके अलॉय देख सकते हो, डुअल टोन में मिल जाता है। टायर सेक्शन की बात करते हैं, 215/60R17 का यहाँ पे टायर सेक्शन मिल जाता है। सबसे टायर सेक्शन मिल जाएगा, टोटल जो एक क्लैडिंग वगैरह मिल जाता है, चौड़ी यहाँ पे भी क्लैडिंग मिल जाती है। और यहाँ पे अगर हम ग्राउंड क्लियरेंस देखते हैं 200 mm की यहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिल जाती है। तो ऐसा कुछ साइड प्रोफाइल है इसका। और यहाँ पे आपको डुअल टोन ये व्हाइट और ब्लू वाले कलर्स में देख रहे हैं, तो यहाँ पे व्हाइट में ही आपको फॉरबीम दिया गया है। यहाँ पे आपको टच इंडिकेटर यहीं पर मिल जाते हैं, ये जो कि हेलोजन में मिलते हैं। यहाँ पे कोई रिक्वेस्ट सेंसर वगैरह मिल जाता है, चाबी का ऑप्शन मिल जाता है। और इसके चारों तरफ ना ये जो AB और ये वाला जो पिलर है वो ब्लैक में मिलते हैं, बाकी यहाँ से ये वाला जो पार्ट है वो काफ़ी थोड़ा मिल जाता है। यहाँ से आप देख सकते हो रूफ है पूरा व्हाइट कलर मिल जाता है। यहाँ पर भाई साहब यहाँ पे आपको रूफ ऑफर किया गया है। ये है इसका रियर जो है प्रोफाइल, ऐसा वॉच वगैरह मिल जाएगा, हम स्टॉप लाइन मिल जाते हैं, मिल जाते हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे रियर वाइपर मिल जाते हैं। और ये वाला जो पार्ट है ना देख रहे हो, ये ग्लॉसी ब्लैक में दिया गया है। और नीचे यहाँ पे सिट्रोन के लोगो दिए, सिट्रोन लिखी हुई मिल जाएगी। और यहाँ पे इसका आपको जो है टेल लैंप ऐसा कुछ मिल जाता है। यहाँ पे एयरक्रॉस C3 लिखा हुआ मिल जाएगा, जो कि ये वाला जो क्रोम वाला पार्ट है ना देख रहे हो काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे आपको प्लस टेक की वेजिंग मिलती है, जो कि इंजन ऑप्शन जो इसका इंजन को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे आपको 1-2 पॉइंट यहाँ पे रियर पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, इसके प्लेट वगैरह कुछ ऐसा मिल जाता है, सिल्वर टच में रिफ्लेक्टर के साथ में आती है। तो ये कुछ ऐसा देख सकते हो इसका नीचे का। आइए इसके हम बोर्ड स्पेस को ओपन करते हैं, जो कि 5 सीटर वाले वेरिएंट हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे आपको थर्ड रो नहीं मिलता है। और ये है इसका, ये इसका आप जो है बोर्ड स्पेस देख सकते हो, 444 लीटर का बोर्ड स्पेस मिल जाता है। यहाँ पे वाइट लाइट मिलती है, ऐसा कुछ यहाँ पे पार्सल ट्रे वगैरह दिया गया है। और उस वाली गाड़ी में अभी उसका वीडियो भी आप देख सकते हो, वहाँ पे 5+2 वाला जो वेरिएंट है वो है, यहाँ पे आपको थर्ड रो उस वाले वेरिएंट में मिल जाता है, बाकी सारी चीज़ें सेम मिलती हैं। और इसके सेकंड रो की तरफ चलेंगे फिर उसके बाद। तो ये है इसका सेकंड रो और ऐसा वो प्लेस है, आप चेकआउट कर सकते हो। जो उसकी सीट है वो लेदर ऑफ पॉलिस्ट्री मिल जाती है व्हाइट में ही। अंदर बैठते हैं तो ऐसा कुछ फेस मिल जा रहा है, सीट को जो है पीछे किया गया है प्रॉपर, आप देख सकते हो। यहाँ पे आपको पीली लाइट मिलती है, यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट मिल जाते हैं विथ कप होल्डर, ये देखिए हम अच्छे बात कर देते हैं। तो और सीट है ना बीच में फैब्रिक और प्लस लेदर दोनों जो है यूज़ किया गया है,
क्योंकि कंफर्ट के मामले में काफ़ी अच्छा कंफर्ट है, कुशनिंग वगैरह भी काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे थोड़ा स्पेस दिया गया है, दो पावर विंडो के जो कंट्रोल्स हैं वो यहाँ पे मिलते हैं पीछे वालों का, चार्जिंग स्लॉट दिया गया है, USB यहाँ पे कप होल्डर्स, और पीछे से अगर हम देखते हैं तो ओवरऑल जो डैशबोर्ड है वो ऐसा कुछ दिख जाता है। ये देखिए अभी हम आगे चलेंगे, यहाँ पे भी ये वाला जो डोर है ऐसा कुछ, डोर ट्रिम की बात करते हैं, जो सेकेंड रो की जो रियर डोर ट्रिम है ऐसा कुछ मिल जा रहा है। और यहाँ पे भी ग्लॉसी ब्लैक का ऑप्शन यूज़ किया गया है, दिया गया बॉटल वोटल दिया गया है, यहाँ पे डोर हैंडल्स मिल जाते हैं। ओके तो ये है इसका इंटीरियर और ये है इसका डोर ट्रिम, ये ऐसा कुछ, ये वाला जो पार्ट है ना ये लेदर में मिल जाता है, यहाँ पे बॉटल होल्डर्स मिल जाते हैं, फ्रंट का जो पावर विंडो कंट्रोल तो वहाँ पर मिल जाते हैं, रनिंग दिया गया है, स्पीकर मिल जाते हैं, और हम प्रॉपर ये डैशबोर्ड आप देख सकते हो, जो C3 में इंफोटेनमेंट सिस्टम आता है वही सारी चीज़ें मिल जाती है, एप्पल कटले और एंड्रॉयड वगैरह मिल जाता है। जो छोटी सा यहाँ पे इसका जिक दिया गया है ना इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वो आप चेकआउट कर सकते हो, यहाँ पे स्टीयरिंग माउंटिंग कंट्रोल्स मिल जाते हैं, C3 का यहाँ पे चीज़ें मिल जाती हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो इसका कुछ डी शेप स्टीयरिंग दिया गया है, सॉफ्ट टच दिया गया है, और यहाँ पे टिल्ट स्टीयरिंग मिल जाती है, ऐसा कुछ इसको हम बंद कर देते हैं। यहाँ पे AC के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, स्पेस दिया गया है यहाँ पे भी, अच्छा डीप स्पेस मिल जाता है, कपोर्ट दिया गया है, 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन है तो उसको यहाँ पे गियर नॉब दिया गया है, और यहाँ पे हैंड ब्रेक्स मिल जाते हैं, ऐसे कुछ स्पेस यहाँ पे भी दिया गया है, और यहाँ पे सीट्रॉन का ही जेल एयर फ्रेशनर रखा गया है, और ये है फ्रंट का सीट। भाई ये वाला जो हैंड रेस्ट आपको यहाँ पे मिल जाता है ना, आर्म रेस्ट यहाँ पे मिल जा रही है, भाई बड़ी बड़ी गाड़ियों में मिल रहा है, सफारी वफारी वो वाली फील आती है, तो ऐसे कुछ मिल जाता है यहाँ पे बड़ा सा, ये आप देख सकते हो यहाँ पे ग्लॉसी ब्लैक ही यूज़ किया गया है, बाकी IRVM ऐसे कुछ मिल जाता है, इधर वेंटिलेटर मिल जाती है, और यहाँ पे पीली लाइट मिलती है। तो अपन AC वेंट देखते हैं तो C3 में जो पहले AC वेंट आती थी वही वाली AC वेंट इसमें भी दिया गया है, बीच वाला AC वेंट आप चेकआउट कर सकते हो, और यहाँ पे वाइपर, यहाँ पे लाइट वगैरह चीज़ें मिल जाती है। तो कम्फर्ट के मामले में बात करते हैं, काफ़ी अच्छा कम्फर्ट यहाँ पे मिल जाता है, चाहे वो हेडरूम हो चाहे जो भी हो, तो कम्फर्ट काफ़ी अच्छा मिल जाता है, कुशनिंग वगैरह काफ़ी अच्छी है यहाँ पे, तो ये ऐसे कुछ चीज़ें मिल जाती है। टोटल आपको 2 एयरबैग मिल जाता है, तो इसको मैं ओपन करता हूँ, और ये भाई साहब तो C3 एयर क्रॉस का इंजन बे, और ये यहाँ पे मिलता है 1.2 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन मिलता है जो कि जो मैक्सिमम पावर जनरेट करता है वो 108 BHP का मैक्सिमम पावर विद 190 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। यहाँ पे बैटरी वगैरह एक साइड की मिल जाती है प्रॉपर आप। ओके इसको हम बंद कर देते हैं। तो ये आपको एयर क्रॉस कैसी लगी जरूर बताना, और अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं ऐसे नए वीडियो के साथ।